भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की पॉलिटिक्स में 12 घंटे के भीतर दो बड़े धमाके किए हैं। सपा विधायक दारा सिंह चौहान से इस्तीफा कराकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। उसके फौरन बाद आज सवेरे अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में अमित शाह से मिले, जिसकी तस्वीर भी जारी की गई और बाकायदा इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट से दिया। अब से राजभर बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। राजभर के पास अभी 6 विधायक और करीब 3% वोट शेयर भी है। इसी को लेकर सपा विधायक अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर को भी समझते हैं और दारा सिंह चौहान को भी समझते हैं। इन लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि आज की तारीख में और मजबूती के साथ इन दोनों समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और आने वाला समय बताएगा जब इनके समाज के लोग इन्हें ठग समझकर मार कर भगाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इन दोनों नेताओं की आने वाले दिनों में विदाई निश्चित है। इनको समाज और जाति के हिसाब से भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वहीं पूर्व मंत्री और राजभर समाज से ही आने वाले राम दुलारे राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के भाजपा में शामिल होने पर जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने 2022 में विधानसभा चुनाव में बयान दिया था कि हम जब तक मोदी और अमित शाह को गुजरात वापस नहीं भेज देंगे, तब तक अपने माँ बाप की औलाद नहीं। यह लोग राजनीति में माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये थूक कर चाटने का काम किए हैं। उन्होंने कहा कि राजभर समाज और पिछड़ा समाज ये समझ चुका है कि यह हमारे अधिकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, ये केवल अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीति में अपने बेटों को और अपने आप को सेटल करने की जुगत में लगे रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने बेटे को सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं और खुद मंत्री बनकर बैठे रहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सभी समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में प्रतिनिधित्व देने के नाम पर इन लोगों को जोड़ा था। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे दारा चौहान हैं, इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके कहा था कि हमारे समाज का भला समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे समाज के लोगों को आरक्षण के मुताबिक नौकरियाँ मिली, गाँव के विकास हुए और समाज के लोग काफ़ी सुकून महसूस कर रहे थे। तो हम लोग आपके साथ जुट करके प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं और वह जो सम्मान था वह केवल ओम प्रकाश राजभर या दारा चौहान का सम्मान नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पूरे राजभर समाज और चौहान समाज का सम्मान किया गया था और उनके प्रतिनिधि के रूप में यह टिकट इन लोगों को समर्पित था। बहरहाल दारा चौहान का दल बदलना पुरानी आदत है, उनका पुराना इतिहास है, तो कोई बात नहीं है। अपने समाज के इच्छाओं के मुताबिक ये लोग हमारे दल से लड़े थे और आज इन लोगों ने अपने समाज की चाहतों पर, इच्छाओं पर अपने समाज को ठोकर मार करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और मंत्री बनने के लिए गए हैं। तो अब एक चीज़ तो जाहिर हो गई कि इन लोगों को अपने समाज की चिंता नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ और नुकसान की चिंता है, सुख सुविधा की चिंता है और अपने परिवार के लोगों को अधिक से अधिक राजनीति में स्थापित करने की चिंता है। बहरहाल इस समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर को भी समझते हैं और दारा चौहान को भी समझते हैं। इन लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि आज की तारीख में और मजबूती से दोनों समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और आने वाला समय बताएगा जब इनके समाज के लोग इन्हें ठग समझ करके मार करके भगाएंगे और इनकी आने वाले दिनों में विदाई निश्चित है। अब कोई इनको समाज या जात के नाम पर लाभ मिलने वाला नहीं है। देखिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों चाहे दारा सिंह चौहान जी हों, इन लोगों की हवा निकल चुकी है, जनता इन लोगों को समझ चुकी है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी की बात किया जाए तो अभी इनका एक बयान आया था, जब जिस समय अभी चुनाव में थे समाजवादी पार्टी के साथ, तो इनका एक बयान आया था कि हम जब तक मोदी और अमित शाह को गुजरात वापस नहीं भेज देंगे
तब तक अपने माँ बाप की औलाद ने, यानी इस राजनीति में अपने माँ बाप को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। अब बताइए माँ बाप का इसमें क्या कसूर है कि माँ बाप की भी कसम खा के फिर आज उन्हीं के गिरेबान में फिर झांकने जा रहे हैं, जो यानी जिस पत्तल को इन्होंने फेंका है फिर उसी को चाटने जा रहे हैं। तो यह इन लोगों की राजनीति बहुत घिनौनी राजनीति हो गई है, और राजभर समाज, पिछड़ा समाज यह समझ चुका है कि हमारे अधिकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। चाहे आरक्षण की केवल बात करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं लड़ाई लड़ेंगे, यह अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए अपने और अपने बेटे के साथ जब भी यह मिलते हैं तो मात्र अपने और अपने बेटे के साथ ही मिलते हैं, बाकी और समाज में किसी को नहीं लेके जाते हैं, इसलिए कि इनको समाज की अब जरूरत नहीं है। अब ये चाहते हैं कि हमारा बेटा किसी तरह सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मैं सांसद और मंत्री बन जाऊं, समाज से कोई मतलब नहीं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।